हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं डाइट के रिगार्डिंग। डाइट में हम लोग क्या ले कि हम लोग का जो बॉडी मेंटेन हो। तो देखिए, डाइट के लिए सिंपल सा हम लोग को क्या देखना है कि अगर हम लोग डाइट को ले रहे हैं, सबसे पहले जो डाइट का मेन फैक्टर है आपका न्यूट्रिएंट्स होता है कार्ब्स, प्रोटीन और फैट। तो जो कार्ब्स का जो रेशियो है ना, आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है कार्ब, हम लोग को मालूम है। तो अगर आपको वर्कआउट से पहले कुछ ऐसा चीज़ लेना है जो आपको लगे कि हम लोग का जो बॉडी है उसको, मतलब अगर इंस्टेंट एनर्जी की आपका जो होगा, आपको कार्बोहाइड्रेट पर डिपेंड होगा। तो कार्ब्स किस में रहता है, जो हम लोग को ये मालूम है कार्ब्स जो आपका राइस में बहुत ज़्यादा कार्ब्स रहता है, और जो भी हम लोग जो स्वीट्स जो भी मीठा रहता है उसमें आपको कार्ब्स का जो रेशियो रहता है ज़्यादा। सिंपली क्या होता है, कार्ब्स एक क्या है जो 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 बाद का फॉर्म था, जो पहले का फॉर्म है किसका, ग्लूकोज का। जो ग्लूकोज है आपका वो जो है वो फॉर्म होता है किससे, कार्ब्स से। तो कार्ब्स का सिंपली हम लोग बहुत सारा जो चीज़ है कार्ब्स के लिए ले सकते हैं। कार्ब्स के लिए राइस हो गया आपका, और कार्ब्स के लिए जो है आपका जो है सो, और जो अगर हम लोग देखें कि कार्ब्स के लिए अगर इनटेक आपको बढ़ाना है, और सिंपल सा अगर सबसे रॉ मटेरियल आप खोज रहे हैं और सिंपल जो नेचुरल भी हो, तो उसके लिए जो अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं सोच रहे, तो उसके लिए आप जो है ना गुड़ का यूज कर सकते हैं। गुड़ समझ रहे हैं आप, जो गुड़ है आपका वो अगर आप लेते हैं तो उसमें क्या रहता है, बहुत हद तक वो रॉ है। अगर आप बोलिएगा कि चीनी हम क्यों नहीं यूज कर सकते, तो चीनी हो गया रिफाइंड, वो कहीं ना कहीं प्रोसेस्ड, और जो गुड़ है वो आपका रॉ है। अगर आप उसको यूज कर सकते हैं, इन द सेंस अगर आप चना ले लिए तो उससे आपका प्रोटीन मिल जाएगा, और फैट का लिए आपको जो ज़्यादा कंसर्न नहीं होना है, वो जनरली आपका जो हम लोग यूज करते हैं उसी से आपका फैट का जो है ना रिक्वायरमेंट कवर हो जाएगा। तो सिंपल सा डाइट में अगर आप अगर कार्ब्स को सोच रहे हैं कि कौन सा चीज़ में क्या लें जो इंस्टेंट एनर्जी दे, बहुत हद तक अगर आप लो कॉस्ट कार्ब्स के लिए खोज रहे हैं तो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन होगा जो गुड़। गुड़ आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये आपके डाइजेशन को भी सही कर देगा। अगर आप गुड़ लीजिएगा तो गुड़ सिंपली हम लोग कहीं से इजीली अवेलेबल रहता है, और जो है सो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि गर्मी है तो गुड़ का यूज, लेकिन आपके लिए कोई चीज़ करते हो, अगर आप वर्कआउट करते हैं तो ईजिली आपके लिए डाइजेस्ट होगा। और जो है सो डाइट में हम लोग समझिए कि कार्ब्स, प्रोटीन और फैट, प्रोटीन का बहुत सारा सोर्स है इजिली अवेलेबल। अगर आप लोग नॉन वेज ले रहे हैं तो, अगर नॉन वेज नहीं अगर आप वेज है, इन अगर मेरे केस में देखिएगा तो मैं बहुत दिन से जो है सो नॉन वेज कम, मतलब बहुत रेयर ही यूज़ करता हूँ नॉन वेज, अभी वेज ही ज़्यादा चल रहा है। तो जो है सो आप जो है सो अगर वेज अगर डाइट खोलते हैं तो वेज कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव होता है कम्पेयर टू द नॉन वेज, अगर आप प्रोटीन का सोर्स खोल रहे हैं। लेकिन प्रोटीन के सोर्स में जो आपका जो है ना, जैसे अगर आप नॉन वेज हो तो आपके लिए बेस्ट रहता है, बहुत सारा रिसोर्सेज है जैसे चिकन, मटन, ये सब इजीली अवेलेबल रहते हैं। तो आप प्रोटीन का सोर्स वहाँ से, मतलब कैलोरी जो है सो वहाँ से ले सकते हैं प्रोटीन के लिए। और फैट के लिए जो है सो जो बटर हो गया आपका जो अच्छा सोर्स रहता है फैट के लिए, तो आप जो है बटर को इजीली अवेलेबल रहता है, आप उसको ले सकते हैं। तो सिंपल सा डाइट में हमको ये देखना है कि जितना कैलोरी हमको चाहिए बर्न कर रहे हैं उसी हिसाब से जो कैलोरी का इंटेक करें, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं नहीं कम कर रहे हैं। कुछ कम करिएगा तो कैलोरी डिफिसिट हो जाएगा, ज़्यादा करिएगा तो कहीं ना कहीं आपका जो फैट है उसको ग्रो कर देगा वो। तो आपको ये ध्यान में रखना है, और डाइट के रिगार्डिंग जो प्रोटीन कार्ब्स और फैट है आपका ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लेंगे, कितना ग्राम हमको जो है अपने डाइट में रखना है जो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। और कहीं ना कहीं आप जो है सो आपको ये जो है बॉडी के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, अगर सुपर वर्कआउट ज़्यादा करते हैं, आप सुपर से ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डाइट का ओवरटेक के लिए कोई कंसर्न नहीं होना है। आप जो है ज़्यादा भी मतलब जो है कैलोरी ले सकते हो, बिकॉज जब भी आप सुपर से वर्कआउट करते हो तो कहीं ना कहीं कैलोरी बहुत ज़्यादा बर्न होता है, बहुत ज़्यादा समय वीकनेस आएगी जब भी आप सुपर से वर्कआउट करते हो। तो कहीं ना कहीं आपका इस हिसाब से आप जो डाइट को अप्रोच कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। थैंक यू।